सही जो व्हाट्सअप कैसे आप लोग मतलब बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे द वन एंड ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आ जाते कि इसके एड्रेस के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो इसका फुल एड्रेस दिया हुआ है। अगर एस्टाब्लिश के बारे में बात करें ना मतलब आप हैरान हो जाओगे, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है इन कोलकाता। 1999 में इसका एस्टाब्लिश हुआ था। अगर टाइप ऑफ कॉलेज की बात करें देन इट्स गवर्नमेंट कॉलेज, बट आपको कहीं इसको प्राइवेट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी वेबसाइट में अपना मेंटेन करके रखा है कि कहीं पर ये प्राइवेट लिखा हुआ है, लेकिन मतलब आई डोंट नो ये लोग मेंटेन कैसे करते हैं, बट आप ये तय कर लें कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है एंड काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। सो अब आया था कि इसके जो कि मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा WBJEND JEE। आपको बता दूं मैं, अगर आप चाहते हो फिलहाल जो WBJEE का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड चॉइस लॉकिंग भी स्टार्ट हो गया है, उसको अगर आप चाहते हो, अगर आपका चॉइस फिलिंग हो चुका है तो उसको लॉक कर दें। अगर फिर भी लॉक करना भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, आपका चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब आपको WBJEE के थ्रू फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना हो या फिर GLET के थ्रू आपको सेकंड ईयर लेटरल एंट्री लेना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आपको काउंसलिंग करना तय है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो किसी एक्सपर्ट को देकर अपना काउंसलिंग कराएं, कोई भी डाउट ना रख के, चाहे कितने भी कुछ भी जो भी रैंक मिला है उसके हिसाब से अपना कॉलेज पसंदीदा कॉलेज मिल जाए, तो आप नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जो भी गूगल फॉर्म है उसे फिलअप कर लें, वहाँ से अपने एक्सपर्ट को देके अपना काउंसलिंग कराएं। अब आए थे कि इसके फीस के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बीटेक के लिए आपको 35,350 रुपीज फर्स्ट ईयर में आपको पे करना होता है। एमटेक के लिए 39,550 फर्स्ट ईयर में आपको पे करना होता है। बीटेक लेटरल एंट्री के लिए कितना पे करना होता है, देन बीटेक लेटरल एंट्री के लिए भी आपको 34,800 रुपीज पे करना होता है। ये फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में सेकेंड ईयर है। अगर सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूँ देन 526 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर। अब आ जाते कि इसके लाइक कट ऑफ के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कट ऑफ में आपको जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आता है यहाँ पे आपको वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन आपको एक डाउट लग रहा होगा कि भैया इतना कम ब्रांचेस, मतलब सिर्फ 3 स्ट्रीम ऑफर किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, सिर्फ 3 ब्रांचेस ऑफर किया जाता है। सो इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। आप बोल सकते हो कि प्लेसमेंट उतना तगड़ा नहीं होता। देखो यार, प्लेसमेंट के सेक्शन में हम प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, अभी उससे जाने देते हैं। अब आया था कि इसके थर्ड राउंड के बारे में, जो भी इसी का WBJEE के थ्रू आपको थर्ड राउंड में कितना कट ऑफ जाता है वो भी मैंने डाल दिया है। काफ़ी लोगों का एक कमेंट आता है कि आप स्पेशल कैटेगरी के लिए भी डाला कीजिए, SC ST OBC के लिए डाला कीजिए, तो मैंने मिल गया था तो उसके लिए मैं वो भी डाल दिया हूँ। अब आया था कि इसके लाइक कट ऑफ के बारे में, जो भी आप अगर GLET के थ्रू इसमें एडमिशन लेते हो जो कि सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री होता है, तो आपको कितना कट ऑफ लाना जरूरी है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसका ये GLET का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, एंड अगर आप बात करते हैं ये है GLET का सेकेंड राउंड का कट ऑफ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई थिंक कट ऑफ रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ऑफ नहीं रहा। अगर फिर भी लगता है कहीं पर कुछ छूट गया है या फिर कहीं पर आपको और भी जानना जरूरी है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अब आया था कि इसके हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल के बारे में आपको मैं बता दूँ यहाँ पे तीन ब्रांचेस है ना बीटेक का, 3 ब्रांचेस में आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है, आपको कितना कितना टोटल पे करना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम में कितना पे करना पड़ेगा, मंथली ट्यूशन फी कितना पे करना पड़ेगा एंड कौशन मानी एंड द ID कार्ड फी, ऑल रिलेटेड टू मैंने यहाँ पे डाल दिया। नॉट ओनली फॉर द बीटेक, मैंने बीटेक लेटरल एंट्री जो भी लेते हैं उनके लिए भी मैंने डाला है। सो इस बात पे एक लाइक तो बनती है। अगर बात करते नहीं इसके अलावा आपको हॉस्टल में, आपको कुछ हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हॉस्टल द GCELT यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी, हॉस्टल इज लाइक ए होम अवे फ्रॉम द होम। मतलब इतना बता दिया ना, बहुत बड़ी बात है, मतलब घर जैसा फील आ जाता है, तो और क्या चाहिए। इट इज लोकेटेड इन ए पीसफुल प्लेस जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज। इट हैज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकोमोडेशन विद द क्लीन बाथरूम्स एंड द टॉयलेट्स, हैविंग अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट प्रोवाइड्स एकोमोडेशन एंड द क्वालिटी मील्स एट ए चीप रेट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। द हॉस्टल हैज़ लाइब्रेरी हैविंग डिफरेंट बुक्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। There are also 2 daily, 2 weekly newspaper and 1 monthly magazine.
इज अवेलेबल फॉर द इम्प्रूविंग जनरल एयरनेस इन एडिशन टू द डाइनिंग हॉल टीवी रूम एंड कैरम रूम व्हिच आर ऑलवेज स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड बेस्ट हैंगआउट जोन बेस्ट स्ट्रेस बस्टर मच मोर देयर इज ऑल्सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू प्ले क्रिकेट फुटबॉल एंड द अदर स्पोर्ट्स द होस्टल हैज ए गुड एंड फ्रेंडली एटमोस्फेयर हैविंग हाई इमोशनल बॉन्डिंग एमंग द बोर्डर्स नो वन हेजिटेट टू शेयर द हिज प्रॉब्लम टू एनी वन मतलब मैंने नॉर्मली ये वेबसाइट से उठाया है तो आप गेस भी कर सकते हो इतना इतना भी ज़्यादा नहीं बनता यार आप सिखाओ मत ठीक है हम लोगों को भी पता है कि आज तलक इतिहास गवाह है कि आज तलक कहीं भी जो हॉस्टल के वार्डन के संगे हॉस्टल के बच्चे का इतना ज़्यादा बने एक अभी नहीं होता चाहे वो 4 साल बाद आपको सुलह हो जाए लेकिन जो रहते टाइम कभी नहीं होता क्योंकि उनका हमेशा टेंडेंसी रहता है कि आपको मतलब एट द जितना ज़्यादा हो सके आपको रिस्ट्रिक्ट में रहना एंड आपका काम है कि रिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना ये फन फन की बात है आप अगर हॉस्टल में जाओगे तो इसे महसूस करोगे अब आ जाते हैं कि इसके लाइक जो भी हॉस्टल के जो भी टोटल क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं मतलब एकोमोडेशन कितना है नंबर ऑफ हॉस्टल कितना है बॉयज हॉस्टल कितना है वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है अब आ जाते हैं कि इसके क्लब्स के बारे में देखो यार क्लब्स के बारे में यहाँ पे टोटल 5 मेजर क्लब्स हैं उनमें से जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा विवर्तन एंड ICETHD टेक फेस्ट के लिए आपको इंजीनियर एंड रीयूनियन के लिए आपको एक क्लब को एंड कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी आपको कुछ क्लब्स देखने को मिल जाती है आप अपने पसंदीदा के हिसाब से आप क्लब में ज्वाइन हो जाइए अब आया था इसके प्लेसमेंट के बारे में द अबव 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेसमेंट फ्रॉम आवर कॉलेज द हाई सैलरी पैकेज ऑफर इज 7 लाख पर एनम द लोएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर इज 1 लाख पर एनम मतलब ये सच है यार ये सच है क्योंकि आपको एक कॉलेज उतना ज़्यादा पहली बात तो ये 3 ब्रांचेस है तो हर कंपनी इसे ऐसा नहीं सोचता कि हमको जाना है अब कंपनी जाएगा उसका कुछ कॉस्ट भी जाता है ना मतलब एक हायरिंग करने जाएगा अगर उसको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट ना मिले तो कैसे जाएगा कंपनी सो कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा कम आती है मैं इसके बारे में आगे चल के बताता हूँ बट इट डिफर्स फ्रॉम द बैच टू बैच आवर कॉलेज अबाउट 90% ऑफ द स्टूडेंट गेट इंटर्नशिप फ्रॉम आवर कोर्स गुड अब प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ स्टैट मिल चुका था CSE के रिलेटेड IT रिलेटेड यहाँ पे मैंने डाल दिया है एंड लेदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अब आया था कि प्लेसमेंट के थोड़ा सा खुद जो बच्चे मतलब इस कॉलेज के बच्चे क्या रिव्यू देते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया है आप इसे आराम से देखें एक पढ़ लें द ईयर इन आवर टाइम द कैंपस प्लेसमेंट वाज रियली गुड थ्रू द पूल और ऑफ अच्छा पूल कैंपस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूँ पूल कैंपस का मतलब ये होता है कि आपका जो भी मान लीजिए जैसे कि एक कॉलेज है मकाउट से एफिलेटेड है ठीक है ना मकाउट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं वो सारा का सारा कॉलेज एक ही जगह में आके अपना प्लेसमेंट के लिए बैठेगा एंड उनमें से जो प्लेसमेंट होता है इसको इट्स कॉल पूल कैंपसिंग आई थिंक आपको डिटेल्स मिल गया होगा इसके अलावा 90 लाख पर एनएम अमेजन में कोई बच्चा ये जॉब सिक्योर किया था एंड ये थोड़ा पहले का बात है क्योंकि अभी अमेजन का जो करंट CTC है वो 45 लाख प्लस है आई थिंक आपको मालूम होगा अगर आपको इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के कौन सा कंपनी की विजिट करता है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो वो टॉप ब्रांड के कंपनी लाइक ओराकेल हो चुका है इन्फोसिस हो चुका है विप्रो हो चुका है जो कि आपको ये कह सकते हो कि मेजर रिक्रूटर्स एंड द टेक जायंट आप कह सकते हो यहाँ पे विजिट करके बच्चे ले जाते हैं अब आया था कि इसके फेस्ट के बारे में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेस्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए फेस्ट 3 ब्रांचेस में आप कितना ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन कर लेना एंड या 2 इवेंट्स कराए जाते हैं एंड उसमें से आपको ये 2 इवेंट्स मेजर इवेंट्स कराए जाते हैं इसके अलावा थोड़ा बहुत छोटे मोटे भी इवेंट्स कराया होता है कॉलेज में आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड फेस्ट के लिए आप ऐसा बोल सकते हो यार जितने भी हो मतलब आपका पढ़ाई अच्छा होगा इसमें कोई ये डाउट नहीं है कि आपका एकेडमिक जो है वो काफ़ी सही रहेगा स्टूडेंट लाइफ जो कॉलेज लाइफ वो शायद उतना आपको बेहतर ना मिले सो आई थिंक सारा का सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है आपको फेस्ट के रिगार्डिंग प्लेसमेंट के रिगार्डिंग फीस के रिगार्डिंग फिर भी अगर कहीं पे लगता है कुछ चीज़ छूट गए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए मिलते हैं किसी और एक नए कॉलेज रिव्यू के वीडियो के साथ इसी तरह बने रहिए कॉलेज मेरे चैनल को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाय।